बद्रीदत्त पांडे कैंपस में छात्र छात्राओं की परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने SSG ना विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन भेजकर परीक्षा फल में हुई गड़बड़ी को ठीक करने की मांग की है। NHUI के जिला अध्यक्ष कमलेश गड़िया के नेतृत्व में छात्रों ने कहा कि परीक्षा फल में गड़बड़ी के कारण सैकड़ों छात्र छात्राओं के समक्ष दुविधा की स्थिति बन रही है, जिस कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का निदान नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NHUI द्वारा परीक्षा फल में हो रही गड़बड़ी के संबंध में ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारी मुख्य मांग थी कि प्रत्येक सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के परीक्षा फल में त्रुटियां आई हैं। किसी के परीक्षा फल में अब्सेंट दिखाई दे रहा है, किसी के परीक्षा देने के बाद भी नंबर ऐड नहीं हुए हैं, जिसमें हमारी मांग थी जल्द से जल्द परीक्षा फल में सुधार करने का कष्ट करें, नहीं तो NHUI उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। काफी समय से परीक्षा फलों में बहुत सारी त्रुटियां आ रही थी, जिससे बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसी विषय में आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NHUI ने परिसर में परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग रखी है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर किया जाए, वरना NHUI इसके लिए उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेगी। लगातार परीक्षा फलों में गड़बड़ हो रही है, परीक्षा फलों में गड़बड़ होने के बाद लगातार छात्र छात्राएं क्या कर रहे हैं, अपनी परीक्षा फल सुधार रहे हैं। मैं सोमन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और परीक्षा नियंत्रक से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग परीक्षा फलों में गड़बड़ी कर ही क्यों रहे हैं? क्या आपका विभाग इतना सचेत नहीं हो सकता कि लगातार परीक्षा फलों में गड़बड़ियाँ हो रही है, और परीक्षा फलों में गड़बड़ी होती इसके कारण आप हैं। अगर भविष्य में इस प्रकार के परीक्षा फलों में लगातार गड़बड़ियाँ हुई तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। अगर किसी छात्र छात्रा का भविष्य अगर खराब होगा तो उसके भी जिम्मेदार आप होंगे, और अगर इसके बाद भी अगर सोमन सिंह जीना विश्वविद्यालय सुधरेगा नहीं तो हम उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और लगातार घेराव करेंगे। और कुलपति महोदय से यही निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे परीक्षा नियंत्रकों को उन्होंने अपने पदों से हटाना चाहिए। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।